क्या आपके रियल एस्टेट एजेंट के पास रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है? क्या आपको पता है महारेरा के वेबसाइट अनुसार 30 जून 2023 तक नागपुर के लगभग 2000 प्रोजेक्ट महारेरा में रजिस्टर्ड है। मान ले कि एक प्रोजेक्ट में कम से कम 10 से 15 यूनिट है तो कुल मिला के लगभग 2000 से भी ज्यादा इन्वेंटरी हमारे लिए सेल करने के लिए उपलब्ध है। लेकिन महारेरा की वेबसाइट के अनुसार 30 जून 2023 तक केवल 1316 ही ब्रोकर रजिस्टर्ड है। नागपुर में 5000 से भी ज्यादा अनाधिकृत ब्रोकर रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश ब्रोकर महारेरा के पोर्टल पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो ब्रोकर रेरा रजिस्टर्ड है उन्हें भी ट्रेनिंग के बाद परीक्षा देनी होगी। राज्य के सभी रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 1 सितंबर तक की समय सीमा दी गई है। नागपुर जिले में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लगभग 43 ऑथोराइज एजेंट है। महारेरा के पास उनके लिए कुछ नियम और शर्तें भी है। महारेरा ने स्पष्ट किया है कि जो ब्रोकर रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, ऐसे ब्रोकर 1 सितंबर 2023 के बाद रजिस्टर्ड एजेंट के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। एजेंट को परीक्षा से पहले नार, क्रेडाई और नार्डेको जैसे एसोसिएशन द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। नार, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, संयुक्त राज्य भारत में रियल एस्टेट एजेंट के लिए एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। यह देश के सबसे बड़ा व्यापार संघ है और 1.4 मिलियन से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। NAR provides resources, education and advice of the real estate professionals। जहां तक रियल एस्टेट एजेंट का प्रशिक्षण का सवाल है तो कई विकल्प उपलब्ध है। कई राज्यों में व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त रियल एस्टेट एजेंट बनने से पहले प्री लाइजनिंग पाठ्यक्रम पूरा करने और एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। This training program covers topics such as sales techniques, legal regulations, marketing strategy and ethics. Association का मानना है कि real estate क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के बारे में भी अधिक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी और देश में बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिल सकती है। नार अपनी विस्तारित शाखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट के तहत प्रोग्राम एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रदान करता है। हाल ही में महाराष्ट्र रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रवेश के लिए और औपचारिक शिक्षा के लिए IIRE और NAR इंडिया के साथ आधिकारिक तौर पर साइन अप करने वाला पहला प्राधिकरण बन गया है। रियल एस्टेट एजेंट परीक्षा उत्तीर्ण करने से, अधिकृत एजेंट बनने से बिल्डर, ग्राहक और स्वयं एजेंट को लाभ होता है। एजेंट ग्राहकों के सभी पक्ष समझेंगे, जिससे ग्राहक ठगे नहीं जाएंगे। लेनदेन में पारदर्शिता आएगी। प्रशिक्षण के जरिए एजेंट खरीदी बिक्री के क्षेत्र में पारंगत हो जाएंगे। बिल्डर को महारेरा वेबसाइट पोर्टल पे ऑथोराइज एजेंट को रजिस्टर्ड करना भी अनिवार्य हो गया है। आखिर क्या आपको लगता है महारेरा के प्रावधानों से अपने एजेंट जागरूक है? एक एजेंट एक घर खरीददार और एक डेवलपर के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्राहकों को प्रोजेक्ट के संबंध में प्राथमिक जानकारी उनसे ही मिलती है। एजेंट के इस महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में अक्सर देखा गया है, काम करने वाले सभी एजेंटों को रेरा अधिनियम महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी नहीं होती है। उन्हें ग्राहक को सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलाइजेशन लेटर, कार्पेट एरिया इत्यादि की इंफॉर्मेशन उनको बताना बहुत आवश्यक होता है। इस जानकारी के आधार पर उपभोक्ता घर खरीदने का निर्णय बनाते हैं। राज्य में करीब 40,000 रियल एस्टेट एजेंट काम कर रहे हैं और उन्हें 1 सितंबर से पहले रजिस्टर करके एग्जाम पास करना, सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है, वरना 1 सितंबर 2023 से वह एजेंट वर्क नहीं कर पाएंगे रियल एस्टेट सेक्टर में। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे जरूर शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए आप महारेरा के वेबसाइट पे डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।